वर्तमान हिमाचल अपडेट में आपका स्वागत है। सरकार व शिक्षा विभाग के दिशा निर्देशानुसार 2 नवंबर माह को यानी सोमवार के दिन 9वीं से 12वीं तक नियमित कक्षाएं शुरू करने के लिए फरमान जारी होने के बाद जिला सिरमौर के वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला नौराधार में रौनक देखने को मिली है। यहाँ पर पूरे स्कूल को अध्यापकों द्वारा सैनिटाइज भी किया गया और इसके साथ ही बैठने की व्यवस्था भी डिस्टेंस के साथ की गई है, जबकि इसके साथ में स्कूल पहुंचने पर बच्चों की थर्मल स्कैनिंग की गई है। गौर है कि लॉकडाउन के बावजूद पहले दिन ही 9वीं से लेकर 12वीं तक के बच्चों की उपस्थिति काफ़ी अच्छी रही। सभी बच्चे अभिभावकों के सहमति पत्र लेकर स्कूल पहुंचे। हालांकि अभी कई अभिभावक ऐसे भी हैं जिन्होंने सहमति पत्र नहीं दिए हैं, मगर अधिकतर अभिभावक पढ़ाई को लेकर अपने बच्चों के प्रति चिंतित हैं। वहीं अभिभावक भी अपने बच्चों को स्कूल भेजना उचित समझ रहे हैं। रॉन हॉट से टीकाराम शर्मा की रिपोर्ट। 6 महीने बाद विद्यालय खुल रहे हैं, विद्यालय में काफी रौनक नजर आ रही है, काफी विद्यार्थी भी स्कूल आए हैं, परंतु अभी भी कुछ अभिभावक ऐसे हैं जो चिंतित हैं और कॉन्सेप्ट देने के लिए तैयार नहीं है, जबकि स्कूल ने पूरी प्रिकॉशंस और पूरी तैयारियां कर दी है। सारे स्कूल को सैनिटाइज किया जा चुका है, सभी बच्चों की थर्मल स्कैनिंग हो रही है, हैंड सैनिटाइजर और हैंड वॉश की रेगुलर प्रैक्टिसेस करवाई जा रही है, बच्चों को इंस्ट्रक्शंस दी जा रही है। अलग अलग स्कूल्स ने टीम्स बना रखी है जिसमें RRT खासतौर से रैपिड रिस्पॉन्स टीम बनी है, स्कूल डिस्टेंसिंग मेंटेनेंस टीम बनी है जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन किया जा सके। सभी टीचर्स अकाउंटेबल है और सभी टीचर्स बात की गौर भी कर रहे हैं कि विद्यार्थी किसी भी प्रकार के झुंड में या समूह में ना बैठें।